प्रत्येक आक्रमण आमको आहुरी मजबूत करिछि। स्वार्थ रहित रिपोर्टिंग नकारात्मक परिवेश सृष्टि करिथाय। अमेरिका रे आसीथिबा अभिजोग को नै एहा कहिछन्ती अदानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी। से कहिछन्ती प्रत्येक अभिजोग अदानी ग्रुप को आहुरी सुदृढ़ करिछि एवं प्रत्येक बाधा ग्रुप को आहुरी नमनीय करिछि। एहा ही अदानी ग्रुप रो सफलतार मंत्र बोली कहिछन्ती गौतम अदानी। जयपुर रे जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल रो एक कार्यक्रम रे जोगदे गौतम अदानी अमेरिका न्यायिक विभाग संपर्कित मामला को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखिछंती। प्रथम थर नुहे, एहा पूर्वरु एमिति अनेक अभियोग आसीछि। प्रत्येक अभियोग परे अदानी ग्रुप आहुरी दृढ़तार सह छिड़ा होइछे। पाखापाखि दुई वर्ष पूर्वरु गोटे शॉर्ट सेलर अभियोग आनिथिला। एहापरे नैतिकता आधार रे अदानी ग्रुप बजारर एफपीओ रे उठाई 20,000 कोटी फेरस्त कर देता। या सत्वे आहुरी मजबूत स्थिति में पहुंची अदानी ग्रुप। स्वार्थरहित रिपोर्टिंग सत्वे अदानी ग्रुप्र कौन भी व्यक्ति उपरे एफसीपीए उल्लंघन किंवा न्याय रे बाधा सृष्टि करबा नै अभियोग नाही बोली कहिछंती गौतम अदानी। मोस्ट ऑफ यू वुड हैव रेड लेस देन 2 वीक्स बैक वी फेस्ड एज अ सेट ऑफ एलिगेशन फ्रॉम द यूएस about compliance practices at Adani Green Energy. This is not the first time we have faced such challenges. What I can tell you is that every attack makes us stronger. And every obstacle becomes a stepping stone for a more resilient Adani Group. The fact is that despite a lot of the wasted reporting, no one from the Adani side has been charged with any violation of the FCPA or any conspiracy to obstruct justice. Yet, in today's world, negativity spreads faster than facts. And as we work through the legal process, I want to reconfirm our absolute commitment to world-class regulatory compliance. जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।